अब खबर टोंक के देवली से, जहां शॉर्ट सर्किट से कपड़े के शोरूम में भीषण आग लग गई। इस घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी हो गई। इस दौरान दो स्कूटी समेत लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो कपड़े के शोरूम में लगी है भीषण आग। आपको बता दें कि दो स्कूटियों समेत लाखों रुपए का जो माल है वो जलकर खाक इस आगजनी में हो गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल फूक चुकी है जो दोनों वाहन है। अधिक अपडेट के साथ में संवाददाता मनीष बागड़ी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो आगजनी की घटना हुई, क्या कारण फिलहाल बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया वजह है। कितना नुकसान इस आगजनी में हुआ मनीष? बिल्कुल, जो ये कपड़े का शोरूम है में इन्वर्टर था, इन्वर्टर में अचानक सुबह 6 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होते ही शोरूम में आग लग गई। आग की लपटें तेजी से उठने लगी। इस दौरान आसपास के लोगों ने जब शोरूम से लपटें उठती देखा तो उन्होंने तत्काल मालिक को इस मामले की सूचना दी। इस पर मालिक ने तुरंत नगर पालिका की जो दमकल है उनको घटना के संबंध में जानकारी दी। इसके बाद तुरंत अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा, जहां करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैं बताया जा रहा है करीब 5-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। समय रहते घटना पर काबू पा लिया गया। उन्हें शोरूम में करीब करोड़ों रुपए के जो कपड़े हैं होलसेल विक्रेता है, और अगर आग बड़ी होती तो ये आग का और बड़ा हो सकता था। और ये जहां ये घटना हुई है वो रिहायशी इलाके के बीच में, अगर आग ज्यादा बढ़ती तो नुकसान ज्यादा हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मनीष, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए।